नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। युवा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दिशा अनप्पा रवि ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को प्रतिरोध की पथ की दिशा दिखाई है। साथ ही एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने जुडिशियरी के अपने साथियों को एक साहस जरूर प्रदान किया होगा। आखिरकार हर कोई अपने पियर्स से इंस्पायर होता है। दिशा रवि केस में मूल मुद्दा देशद्रोह का था। एएसजे राणा ने अपने बहुत ही सिग्निफिकेंट बेल ऑर्डर में लिखा है, द नब ऑफ द इश्यू इज वेदर द एप्लीकेंट और एक्यूज्ड दिशा वाज मियरली इन्वॉल्व्ड इन पीसफुल प्रोटेस्ट एंड डिसेंट अगेंस्ट द फार्म एक्ट्स और शी वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन सिडिशियस एक्टिविटीज अंडर द गाइज ऑफ प्रोटेस्टिंग। क्या शांतिपूर्ण तरीके से दिशा विरोध कर रही थी या उसके आड़ में वो सिडिशियस एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रही थी, ये मूल मुद्दा एएसजे राणा के सामने था। एएसजे राणा के ऑर्डर के कई बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शंस को उसको समझना, उसको दोहराना बहुत जरूरी है। नागरिक सरकार के कॉन्शियंस कीपर्स होते हैं, उन्होंने कहा। उन्हें केवल इसीलिए जेल में नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि वे राज्य की नीतियों से असहमत हैं। दे कैनॉट बी जेल सिंपली बिकॉज दे डिसएग्री विद द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। हमारे राष्ट्र के फाउंडिंग फादर्स ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। दे अकॉर्डेड ड्यू रेस्पेक्ट टू द डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन। भारत के संविधान में आर्टिकल 19 के तहत द राइट टू डिसेंट दृढ़ता से संरक्षित है और फॉर्मली एंट्रेंच्ड। इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन, जज बोले, The freedom of speech and expression includes the right to seek a global audience. There are no geographical barriers for communication. दिशा रवि के खिलाफ जो आरोप थे उनमें से प्रमुख ये भी था कि वे हिंदुस्तान की छवि विदेश में डिफेम या फिर उसको गलत तरीके से पेश कर रही हैं। मतभेद, असहमति, विचलन, असंतोष, यहां तक कि अस्वीकृति स्टेट पॉलिसीज में इम्पार्शियलिटी इन्फ्यूज करने के लिए एक लेजिटिमेट टूल है, हमेशा से रहे हैं। एंड जज बोले, एन अवेयर एंड असर्टिव सिटीजनरी इन कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन विथ एन इनडिफरेंट और डोसाइल सिटीजनरी is indisputably a sign of a healthy and vibrant democracy. मतलब सवाल पूछना is a good sign of a democracy, कि healthy है ये democracy. ASJ Rana ने आगे order में लिखा, this 5000 year old civilization of ours has never been averse to ideas from outside. उन्होंने ऋग्वेद के एक श्लोक को भी कोट किया अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। उसका अभिप्राय यह था कि लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। फाइनली एक लगभग 80 साल पुराने फेडरल कोर्ट के जजमेंट को साइट करते हुए एएसजे राणा ने आगे लिखा, द ऑफेंस ऑफ सेडिशन cannot be invoked
to minister to the wounded vanity of the government. यानी देशद्रोह का आरोप सरकार के घायल घमंड को सहलाने के लिए लगाया नहीं जा सकता. Whether the offense of sedition was invoked against Disha to minister to the wounded vanity of this government or not, we cannot say. It is open to subjective interpretation. Moreover, the case is currently sub judice. But there is no denying that since 2014, we are witnessing a huge spurt in the number of sedition charges against the citizens of India. Since the time this regime assumed office in 2014, that is almost 7 years ago, we have seen a 28% rise in the number of sedition cases. These include 6 cases that have been filed during the anti-farmer bills agitation, 25 during the anti-CAA protests, 22 after the Hathras gang rape incident, and 27 after the Pulwama terrorist attack. A study by the website article14.com shows that 65% of nearly 11,000 individuals in 816 sedition cases since 2010 were implicated after 2014. Among those charged include opposition leaders, students, journalists, authors and academicians. Study ke period mein jin sedition cases ko study kiya gaya hai ya examine kiya gaya hai, unmein se 96% 2014 ke baad darj hue the. In 405 bhartiyon mein se 149 aise the jin par Pradhanmantri Narendra Modi ke khilaf critical aur derogatory tippani karne ka aarop lagaya gaya hai. 144 people were accused of sedition for allegedly making critical comments against the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. UP mein 2010 onwards 115 sedition cases file hue. Inme se 77% mamle pichle 4 saalon mein darj kiye gaye hain. That is after Yogi Adityanath became Chief Minister in 2017. Former Supreme Court Judge Madan Lokur ne kaha hai, ab ye spasht hai, ye kanoon ka sirf misuse nahi kiya gaya hai ya kiya ja raha hai, balki abuse kiya ja raha hai. Isi period mein सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है आलोचना देशद्रोह नहीं है. रिसेंटली कई पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के केस दर्ज हुए थे. ये इसी पैटर्न के हिस्सा है. नाउ दैट वी आर फेस्ड विथ एन ऑलमोस्ट एपिडेमिक ऑफ सिडिशन केसेस, भारत में इस कानून का इतिहास क्या है? क्या ये कॉलोनियल एरा में इस कानून को इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ही जाके इसका इंट्रोडक्शन हुआ? व्हाट अमेंडमेंट्स वर मेड टू द लॉ आफ्टर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड? एंड फाइनली एट दिस जंक्चर व्हाट क्वेश्चंस डू वी नीड टू आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट द सिडिशन लॉ? हिंदुस्तान में देशद्रोह इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A में डिटेल्ड है. द सेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 124A वाज ओरिजिनली नोन एज द सेक्शन 113 ऑफ द मैकॉलेज ड्राफ्ट पिनल कोड ऑफ 1837-1839. लेकिन इस सेक्शन को आईपीसी में इंक्लूड नहीं की गई जब आईपीसी 1860 में एनैक्ट की गई थी. आईपीसी से इस सेक्शन के ओमिशन का कारण क्या था?
मूल आईपीसी में देशद्रोह क्यों नहीं था, इसके लिए दो थियोरीज आगे दिए जाते हैं। पहला कि यह गलती या त्रुटि थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था क्योंकि ब्रिटिश लॉ मेकर्स शायद इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते थे। दूसरा थियोरी जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है कि इट इज क्वाइट लाइकली दैट सिटीशन वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आईपीसी बिकॉज इट हैड वर्चुअली सीज टू बी एन ऑफेंस इन इंग्लैंड। अकॉर्डिंग टू वन 19th सेंचुरी ब्रिटिश ऑथर, prosecutions for sedition in England from 1832 onward were so rare that the offense had virtually ceased to exist. आखिरकार लेकिन हिंदुस्तान में सेक्शन 124A स्टैट्यूट बुक में एक्ट 27 द्वारा 1870 में रखा गया। जब इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया उस समय काफी बहस हुई थी, काफी डिबेट्स और डिस्कशन हुए थे। इस सेक्शन के तहत शब्दों का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लिखित, बोला हुआ या संकेत द्वारा, इफ शी और ही कॉजेस डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन ब्रिटिश इंडिया, द पनिशमेंट शैल बी transportation for life or for any term to which fine may be added or with imprisonment for a term which may extend to 3 years. जब देशद्रोह के charges हिंदुस्तान में introduce हुए, पूरी तरह से racially biased थे। 1830 के दशक से ब्रिटेन में sedition के charges सिर्फ उन पर लगाए जाते थे जो सरकार के खिलाफ वायलेंस इंसाइट करते थे या खुद वायलेंट एक्ट्स में शामिल होते थे। हिंदुस्तान में लेकिन ऐसा नहीं था। इन 1897 बाल गंगाधर तिलक वाज चार्ज्ड ऑफ सेडिशन फॉर एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज इन केसरी, द मराठी न्यूज़पेपर दैट ही ब्रॉट आउट। द केस मार्क्ड The beginning of criminalization of dissent in India. इस केस के जो जज थे, उन्होंने ज्यूरी मेंबर्स को स्पष्ट कहा था, sedition in India means absence of affection towards government. मतलब सरकार के प्रति affection या फिर प्यार ना होना ही जुर्म है। Additionally, जिन अंग्रेजों पर राष्ट्रद्रोह के charges लगाया जाता था, उनके केसेस का फैसला उन्हीं के समाज से चुने हुए ज्यूरर्स करते थे। इसके विपरीत जब किसी हिंदुस्तानी पर मुकदमा चलता, देन द ज्यूरी वाज स्टैक्ड विद पीपल रेशियली एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स देम। भारत में ज्यूरी प्रथा नानावती केस के बाद समाप्त हो गई, परंतु जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस पर अब भी अक्सर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। सेक्शन 124 ए का इंटरप्रिटेशन इसी तरह से चलता रहा 1942 तक। उस साल फाइनली फेडरल कोर्ट ने स्पष्ट किया, निहारेंदु दत्त मजुमदार वर्सेस किंग एम्परर केस में चीफ जस्टिस मॉरिस ग्वायर ने एक्सप्लेन किया, The offense of sedition was not meant to minister the wounded vanity of governments. वही शब्द जिनको एएसजे राणा ने इस्तेमाल किया 1942 के जजमेंट का। जस्टिस ग्वायर ने आगे लिखा, हर सरकार का पहला और सबसे मौलिक कर्तव्य है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर, लेकिन ऐसे मौके आए हैं जब इस तरह के कर्तव्य का पालन करते हुए द रेमेडी वॉज वर्स देन द डिजीज। इसी वजह से जस्टिस ग्वायर ने निहारेंदु दत्त मजुमदार केस में कहा था कि दैट सेडिशन इज नॉट मेड एन ऑफेंस इन ऑर्डर टू मिनिस्टर टू द
wounded vanity of the government. Deshdroh, judge आगे बोले, तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब government and the law cease to be obeyed because no respect is felt any longer for them and only anarchy can follow. Public disorder or the reasonable anticipation or the likelihood of public disorder is thus the gist of the offense. Acts or words complained of must either incite to disorder or must satisfy reasonable men that it is their intention or tendency. Disha Ravi case mein aisa hi kuch laga ASJ Rana ko. Ab tak ke evidence ke basis par unko bail mil gaya. Justice Gwyer ke 1942 ke faisle ko lekin London mein baithe Privy Council ne 1947 mein overrule kar diya. 15 वर्ष के बाद आजाद हिंदुस्तान में जनवरी 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने सिडिशन की परिभाषा को एक बार फिर एट पार विद द ब्रिटिश डेफिनेशन कर दिया. केस था बहुत फेमस, अभी भी अक्सर उसके बारे में चर्चा होती है, केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार. इस जजमेंट को एक तरह से अपने पर्सनल गाइड के तौर पर एएसजे राणा ने यूज किया. इन इंग्लैंड सिडिशन वाज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. इट रिमेन्ड दैट वे इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. इसका मतलब था कि तिलक, गांधी या बाकी राष्ट्रीय नेता या फिर देश का कोई भी नागरिक उसको पुलिस बगैर किसी मैजिस्ट्रेट से वारंट हासिल किए उसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे. 1970s का दशक हिंदुस्तान के हिस्ट्री में वो पीरियड था जब डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस को तगड़ा झटका मिला. इन एडिशन टू सेवरल अदर ऑथोरिटेरियन मेजर्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंदिरा गांधी, the criminal procedure code was also amended in 1973. It was put into practice in 1974. CRPC mein amendment ke baad deshdroh ko cognizable offense declare kar diya gaya. Ab police ko kisi magistrate se warrant lene ki pehle avashyakta nahi hoti hai. Uske paas ये राइट है किसी भी एक्यूज को किसी भी वक्त जाके अरेस्ट कर सकती है. 2009 में इंग्लैंड में सिडिशन के ऑफेंस को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया. हमारी कानून व्यवस्था ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित है, परंतु इस देश में, हमारे देश में, सिडिशन लॉ का ना सिर्फ इस्तेमाल होता है बल्कि उसका मिसयूज और उसका अब्यूज भी हो रहा है. क्या हिंदुस्तान के स्टेट पावर को एक कॉलोनियल एरा रिलिक की इतनी जरूरत है कि उसको बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी ताकत दिखाने के लिए? नमस्कार, इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद. Thank you.